जल, भूमि, अग्नि, वायु। बहुत साल पहले चारों राष्ट्र आपस में शांति से रहते थे। फिर सब कुछ बदल गया जब अग्नि देश ने युद्ध छेड़ दी। केवल अवतार चारों तत्वों का ज्ञाता ही उन्हें रोक सकता था, लेकिन जब दुनिया को उसकी जरूरत थी तभी वो गुम हो गया। 100 साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अवतार ढूंढ निकाला, एंग नाम का एक एयरबेंडर। हालांकि उसकी वायु सिद्धियां अद्भुत थी, फिर भी उसे जानना था कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है। परेशान कर रही है? नहीं, मैंने एक बुरा सपना देखा। मैं अवतार की हालत में था, पर मैं शरीर के बाहर रहकर खुद को देख रहा था। सब कुछ डरावना था, मैं बहुत डर गया था। कटारा, मैं चाहता हूँ तुम इसे अपने पास रखो। इस तावीज में पवित्र आत्माओं के ओएसिस का पानी है। इस पानी में कई खूबियां हैं, इसे खोना मत। शुक्रिया मास्टर पाकू। एंग, ये कागज तुम्हारे वाटर बेंडिंग हुनर को निखारेगा, पर याद रहे बेटा, ये कागज असली मास्टर की जगह नहीं ले सकते। सोका, अपना ख्याल रखना बेटा। यहां से सीधा पूरब में बसी पृथ्वी की सल्तनत की ओर ही जाना। वहां जनरल फोंग तुम्हारे साथ उमाशु पर किसी शख्स को भेजेंगे। तुम वहां सुरक्षित रहोगे और महाराजा भूमि से अर्थ बेंडिंग प्रशिक्षण ले सकते हो। मेरी तरफ से दादी माँ को अलविदा कहना। मुझे इसी पल का इंतजार था। कौन जानता था इतने दिनों तक बिना चाय पिए पानी में लकड़ी पर तैरते हुए, जहां गिद्ध हमारी बोटी बोटी नोचने को बेताब हो, इन हालात में इतनी घबराहट होगी। मैं समझा, आज वो दिन है जुको, है ना? कुछ साल पहले मुझे वहां से निकाल दिया गया था। मैं सब कुछ हार गया था। मुझे वो सब वापस चाहिए। मुझे अवतार वापस चाहिए, अपना सम्मान, अपनी हुकूमत। मेरे पिता ये ना समझे कि मैं इस सब के काबिल नहीं हूँ। वो ऐसा नहीं सोचते होंगे। अगर उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं होती तो वो तुम्हें निकालते क्यों? मुझे ये नहीं कहना चाहिए था ना। मेरे भाई और चाचा ने अग्नि देवता का अपमान किया है और हम सबको शर्मिंदा किया है। तुम लोग शायद शाही परिवार के सदस्यों पर हमला करने से सहमत ना हो, मैं समझती हूँ। पर एक बात पक्की है, अगर तुम हिचकिचाए तो मैं तुम्हें खत्म करने में नहीं हिचकिचाऊंगी। अब जा सकते हो। शहजादी, अफसोस है कि लहरों की वजह से रात से पहले हमारा जहाज बंदरगाह पर नहीं लग पाएगा। माफ कीजिए कैप्टन, पर मैं लहरों के बारे में ज्यादा नहीं जानती। क्या आप मुझे एक बात समझा सकते हैं? बिल्कुल शहजादी साहिबा। इस जहाज पर लहरों का हुक्म चलता है? माफ कीजिए, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आपने कहा कि लहरें रात से पहले जहाज को बंदरगाह पर पहुंचने नहीं देंगी। क्या जहाज पर लहरों का हुक्म चलता है? नहीं शहजादी। और अगर मैं आपको जहाज के बाहर फेंक दूं, तो क्या लहरें आपको चट्टानों से टकराकर चकनाचूर करने से रोक जाएंगी? जी नहीं शहजादी। तो फिर आपको लहरों की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, जो कि पहले ही आपको मारने का फैसला कर चुकी हैं। फिलहाल आप मेरी फिक्र कीजिए, जो कि अभी बहुत गुस्से में है। चलने की तैयारी करता हूँ। हम पहुँच गए।
स्वागत है अवतार एंग। मैं जनरल फोंग हूँ और आप सभी महान हस्तियों का स्वागत है आपा मोमो बहादुर सोका और ताकतवर कटारा। ताकतवर कटारा सुनकर अच्छा लगा। बहुत अच्छे, क्या स्वागत है अवतार एंग। हम सबको सुनकर काफी हैरत हुई कि तुमने अकेले उत्तरी ध्रुव पर नौसेना दल का सफाया कर दिया। इतनी ताकत होने पर भी मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसा लगता होगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ। अवतार, अब तुमको अग्नि देवता का सामना करना है। क्या नहीं, मैं अभी एंग को अभी भी चारों तत्वों पर काबू पाना सीखना है। क्यों, उसके पास जिस तरह की ताकत है उससे वो सैकड़ों लड़ाकू जहाज को चुटकियों में तभाह करने की काबिलियत रखता है। वो अग्नि देवता को भी हरा सकता है। लेकिन जना, बात यह है कि एंग ये सब तभी कर सकता है जब वो अवतार की स्थिति में हो। सुनिए, वो एक खास स्थिति होती है। जानता हूँ, तुम्हारी आंखें और निशान चमकते हैं और उस वक्त तुम में बेहद ताकत होती है। आपके बिना किनारों तक पहुँचने के पहले ही हमारा खात्मा हो जाएगा। पर अगर आप हमारे साथ हुए एक खास हथियार की तरह, तो हम अग्नि देश के बीचों बीच घुसने में पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, पर मुझे अवतार स्थिति में आना या उससे बाहर निकलना नहीं आता, और अवतार बनने पर क्या करना है ये भी नहीं पता। तो फैसला हो गया, मैं अवतार स्थिति में आने में तुम्हारी मदद करूंगा, फिर तुम अपनी तकदीर से रूबरू होगे। नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ। हमारे पास पहले ही एक मकसद है, एंग अपने मुताबिक अपनी तकदीर बनाएगा। तो जब तक तुम तत्वों पर काबू करना सीखोगे, लड़ाई चलती रहेगी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो हमारा अस्पताल है और वो सारे सिपाही किस्मत वाले हैं जो वापस आ गए। हर रोज अग्निदेश जिंदगियां छीनता है, लोग मारे जा रहे हैं। एंग, तुम ये सब खत्म कर सकते हो, सोचना इस बारे में। करीब करीब ठीक था। हाँ, मुझे भी ठीक ही लगा। ठीक नहीं, मुझे बेहतरीन चाहिए। जनरल फोंग, अंदर आओ। एंग, तुमने उस बारे में कोई फैसला किया? मैं लड़ूंगा। हाँ, मैं अग्नि देवता से लड़ूंगा। मैं अवतार स्थिति में जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने जनरल से कहा मैं उनकी मदद करूंगा। एंग, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं, याद है जब उसने अग्नि नौसेना का सामना किया था, कमाल हो गया था। इसे करने का सही तरीका भी है, प्रशिक्षण, पढ़ाई और अनुशासन। या फिर अवतार बनो और अग्नि देवता का सफाया कर दो। अगर तुम दोनों बेवकूफ हमारे सारे किए कराए पर पानी फेरना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है वही करो। कटारा, और तबाही देखी नहीं जाती, मेरे पास इसे सही तरह से करने का वक्त नहीं है। ये खास ताकत बढ़ाने वाली चाय कुदरती ताकत बढ़ाती है। एक मामूली सिपाही की ताकत ये 10 गुना बढ़ा सकती है। शायद ये तुम्हें अवतार की स्थिति में ले जाए। 10 गुना ताकत? काम बन गया, काम बन गया। मैं कैसे बताऊं, अगर मैं अवतार की स्थिति में आ जाऊं तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं अपने आप को देख नहीं सकता। क्या मैं आ गया अवतार की स्थिति में, मुझे बता दो। वो तो बातों से ही अग्नि देवता को मार सकता है। शायद मैं तुम्हें चौंका कर अवतार की स्थिति में ला सकता हूँ। शायद इससे काम बन जाए। मैं चमक नहीं रहा। तुमने चारों बेंडिंग देशों के रीति रिवाजों के कपड़ों का एक टुकड़ा पहना हुआ है। अब मैं चारों तत्वों को एक साथ मिलाने वाला हूँ। पानी, पृथ्वी, अग्नि, हवा, अब चारों तत्व एक साथ मिल गए हैं। ये तो सिर्फ मिट्टी है। तो क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? हमें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। जरा इन लाजवाब सीपियों को देखो, मैं इन्हें कई सालों तक ऐसे ही देख सकता हूँ। हमें इन बेकार सी चीजों की जरूरत नहीं है।
आप भूल गए हैं कि अब हमें सब कुछ अपने आप उठाना है। कैसे हो भाई? और आप चाचा? तुम यहाँ क्या कर रही हो अजूला? हमारे देश में तो सवाल पूछने से पहले हालचाल पूछते हैं। क्या तुम इतनी जल्दी तमीज भूल गए हो जूजू? मुझे उस नाम से मत बुलाओ। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? लगता है ये खानदानी बीमारी है। आप दोनों मुद्दे पर आने में बिल्कुल वक्त जाया नहीं करते। मैं घर से एक संदेश लाई हूँ। पिताजी ने अपना फैसला बदल दिया। अचानक परिवार उनके लिए जरूरी हो गया है। उन्होंने खुद को हुकूमत से हटाने की अफवाहें सुनी है। शायद कोई साजिश है। ऐसे में परिवार वालों पर ही यकीन किया जा सकता है। पिताजी को तुम्हारी जरूरत है। वो चाहते हैं कि तुम लौट आओ। क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हें खुश होना चाहिए, उछलना चाहिए खुशी के मारे। मैंने तुम्हें अच्छी खबर जो सुनाई। लगता है तुम्हारे भाई को सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। दखल मत दीजिए चाचा। मैंने अभी तक शुक्रिया अदा नहीं सुना। मैं कोई दूत नहीं हूँ जो खुद यहाँ आके संदेश दे रही हूँ। पिताजी ने बुलाया, वो चाहते हैं मैं वापस आऊँ। लगता है तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं कल आती हूँ तुमसे मिलने। चलती हूँ। हम कुछ बात कर सकते हैं? क्यों नहीं। तुम्हें याद है हम वायु मंदिर में थे और वहाँ तुम्हें भिक्षु ग्यात्सो का कंकाल मिला था? मैं जानती हूँ वो देखकर तुम्हें वाकई काफी दुख हुआ होगा। तुम इतने मायूस हो गए थे कि तुम्हें किसी चीज का होश नहीं था। मैं ये नहीं कहती कि अवतार स्थिति में बहुत और मददगार ताकत नहीं है, पर तुम्हें ये समझना होगा जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हें इतने दर्द और गुस्से में देखकर वाकई डर जाते हैं। मुझे खुशी है तुम्हें मेरी परवाह है, पर मुझे फिर भी यह करना होगा। पर आखिर क्यों एंग? तुम नहीं समझोगी। हर रोज लोग मारे जा रहे हैं। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अग्नि देवता को हराना यही इस लड़ाई को रोकने का तरीका है और मुझे कोशिश करनी होगी। मैं तुम्हें ऐसा करते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं कल नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ। ठीक है। हम घर जा रहे हैं काफी सालों के बाद। मुझे तो यकीन नहीं होता चाचा। मुझे भी यकीन नहीं होता जुको। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरा भाई अपने फैसले नहीं बदलता। आपने अजूला की बात नहीं सुनी। पिताजी जान गए हैं कि परिवार उनके लिए जरूरी है। वो मेरी परवाह करते हैं। मुझे भी तुम्हारी परवाह है। और अगर ओजाई तुम्हें बुला रहा है तो मुझे लगता है उसके पीछे जरूर कोई और ही वजह होगी। आप नहीं समझेंगे पिताजी मेरे लिए क्या महसूस करते हैं। आप कुछ नहीं समझेंगे। जूको, मेरा मतलब था कि हमारे परिवार में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं। तो आप जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं क्या? आप एक आलसी, शक्की, छोटी सोच वाले इंसान हैं जो अपने भाई से ईर्ष्या करता है। सौका, उठो सौका। हमें अवतार स्थिति को जबरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें यकीन है? हाँ। ठीक है। तुम्हें लगता है जनरल ये सुनकर नाराज होंगे? क्या फर्क पड़ता है, तुम अवतार हो, तुमसे बेहतर कौन जानता है। ठहरो, मेरे बिना ही जा रहे हो? चाचा, आपने अपना फैसला बदल दिया हाँ? परिवार साथ में ही रहता है ना? आखिरकार हम घर जा रहे हैं। बात यह है, हमें अवतार स्थिति को जबरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ तभी अवतार स्थिति में आ सकता हूँ जब मैं किसी बड़े खतरे में होता हूँ। मैं समझ गया, मुझे डर था तुम यही कहोगे। एंग! सिपाहियों, अवतार पर हमला करो। लगता है हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ और मैं आपसे नहीं लड़ सकता। हाँ।
कब तक बचते रहोगे? जब तक आप लड़ते रहेंगे। भाई, चाचा, स्वागत है। आपको यहाँ देखकर कितनी खुशी हो रही है। क्या हम अब चल सकते हैं शहजादी साहिबा? घर जाने की तैयारी शुरू करो कप्तान। घर? सुना शहजादी ने क्या कहा? लंगर को निकालो, हम बंदियों को घर ले जा रहे हैं। शहजादी साहिबा, गलती हो गई। तुमने मुझसे झूठ कहा। जैसे कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। पता नहीं अब वो क्या कर रहे होंगे मोमो। शायद हमें एंग पर नजर रखनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? जनरल पागल हो गए हैं। वो एंग को जबरदस्ती अवतार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ मेरे प्यारे घोड़े। शायद तुम मुझसे बच पाओ, पर वो नहीं। मैं हिल नहीं सकती। उसे चोट मत पहुंचाना। कटारा, नहीं। तुम उसे बचा सकते हो अगर अवतार बन गए तो। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं फंस रही हूँ। तुम अब भी नहीं चमक रहे। बचाओ, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। काम बन गया, काम बन गया। झुको, यहाँ से निकल चलो। जानते हो पिताजी, उत्तरी पोल पर हमारी हार की वजह चाचा को मानते हैं, और वो तुम्हें अवतार को ना ढूंढ पाने पर नाकामयाब इंसान मानते हैं। वो तुम्हें वापस सिर्फ इसलिए बुलाना चाहते हैं ताकि तुम जेल में पड़े उन्हें और शर्मिंदा ना कर सको। तुम्हें सीखना ही होगा। अवतार स्थिति एक बचाव की तकनीक है, जिसकी वजह से तुम में पिछले सभी अवतारों की समझ और हुनर शामिल होंगे। वो चमक तुम्हारी सभी पिछली जिंदगियों का मिश्रण है, ताकि तुम्हारे शरीर के जरिए ताकत फेंकी जा सके। अवतार स्थिति में होने पर तुम में बहुत ताकत होती है,
पर एक बहुत बड़ी कमजोरी भी होती है। आपका मतलब क्या है? अगर तुम अवतार स्थिति में मारे गए तो पुनर्जन्म का चक्कर टूट जाएगा और उसके बाद अवतार फिर कभी भी पैदा नहीं होगा। माफ करना कटारा, उम्मीद करता हूँ तुम्हें मुझे दोबारा ऐसा ना देखना पड़े। हाँ, मजाक कर रहे हो, हमें उसी की जरूरत है। तुम्हें उस स्थिति में काबू में रखने की कोई तरकीब ढूंढनी होगी। आप पागल हो गए हैं। ये तो तब पता चलेगा जब हम मिलकर अग्नि देवता से मुकाबला। क्या किसी को इस बात से एतराज है? आप चाहते हैं कि हम आपको उमाशु तक छोड़ें? हम खुद ही चले जाएंगे। अगर किसी ने इन गद्दारों को पनाह दी तो उसे अग्नि देवता नहीं छोड़ेंगे। उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मुझे लगता है हम यहाँ सुरक्षित हैं।